सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है, वहीं इस मामले को लेकर सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां आज सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बैठक शाम 6:30 बजे होगी। बता दें कि बैठक में सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी और नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद होंगे और लोगों को जागरूक करने को लेकर चर्चा की जाएगी। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सरकार से जुड़े हर एक मंत्री को जनता से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। योगी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो 5 दिन अपने क्षेत्र में रहें और जनता की हर एक समस्या का समाधान करें। योगी ने अपने मंत्रियों को सिर्फ 2 दिन लखनऊ में रहने को कहा है। 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ उत्तर प्रदेश को बचाए रखने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सभी मंत्री जगह जगह औचक निरीक्षण कर अपने विभागों को पटरी पर लाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद, बेबी रानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बरेली, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, अनिल राजभर को प्रयागराज और जितिन प्रसाद को कानपुर, अरविंद शर्मा को अयोध्या, योगेश उपाध्याय को सहारनपुर, संजय निषाद को आजमगढ़, आशीष पटेल को बस्ती, जयवीर सिंह को चित्रकूट, सुरेश खन्ना को लखनऊ, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और राकेश सचान को देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। वहीं सदर थाना क्षेत्र के कोडरा ग्रांट गांव के इस्लाम नगर टोला जाएंगे, जहां पुलिस दबिश के दौरान शनिवार रात एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। वो पीड़ित परिवार से मिलकर उनके दुख दर्द बांटेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जिले का सियासी पारा भी गर्म हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब बसपा चीफ मायावती की तरफ से भी बयान सामने आया है। मायावती ने इसे एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुन कर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। ताजनगरी में पहली बार हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 18 मई से 29 मई तक शिल्पग्राम में लगाया जाएगा। वहीं इस आयोजन में 32 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हस्तशिल्पियों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। इस आयोजन में बॉलीवुड के कई गायक प्रतिदिन अपने सुर से जलवा बिखेरेंगे।
खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर शांति मार्च निकाला। साथ ही एएमयू के प्रॉक्टर को वीसी के नाम ज्ञापन सौंप कर शीघ्र चुनाव कराने और 7 दिन के अंदर चुनाव अधिकारी नामित करने की मांग की गई है और कहा कि अगर एएमयू प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव कराने की बात को नहीं माना तो छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन और कोर्ट के इलेक्शन के रिस्टोरेशन के लिए है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज खुल चुकी है, सारे लड़कों के एडमिशन है। 2018-19 के सेशन के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। उसके पीछे वजह यह थी कि पैंडेमिक आ गया था। अब पैंडेमिक तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जब कैंपस फुल फ्लेज खुल चुका है, सारे सीसी में और तमाम जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन कराए जा चुके हैं, लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन कराया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि स्टूडेंट यूनियन कई सालों से डिफंक्ट चल रही है, लिहाजा यूनियन को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए और उसके जो भी प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि साहब जल्द से जल्द इलेक्शन ऑफिसर का डिक्लेरेशन किया जाए। इसमें यही एक स्पेसिफिक डिमांड है कि यूनियन जो है वो रिस्टोर की जाए। पिछले 2018-19 के बाद से स्टूडेंट यूनियन हमारे बीच नहीं आई है और पिछले दो साल से जैसे कि पैंडेमिक चल रहा था और क्लासेस ऑनलाइन मोड में चल रही थी, कैंपस हमारा ऑफ था, लेकिन अब जो कि कैंपस ऑन हो गया है और सारी एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल सिचुएशन में आ गई हैं, तो स्टूडेंट यूनियन भी एक स्टूडेंट का एक अपना राइट है और उसी की हम डिमांड करने के लिए यहाँ पे आज हमने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर को कि वो विद इन 1 वीक में चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करें और आने वाले सेशन में वो। संभल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही अवैध असलहे बन रहे 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना नखासा में एक आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एसपी साहब के द्वारा अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें नखासा पुलिस द्वारा मुखबर की सूचना पर हातिमसराय रोड पर महबूज के बाग में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें मौके पर एक फैक्ट्री बरामद की गई, जिसमें आधा दर्जन तमंचे बरामद किए और फैक्ट्री के उपकरण बरामद किए, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक शकील और तोहिर है। अभी पूछताछ जारी है, इन्होंने कहाँ कहाँ अभी असली भेजे हैं, कहाँ कहाँ किन किन स्थानों भेजे हैं, अभी इनसे पूछताछ जारी है। मुकदमा पंजीकृत। गाजियाबाद के मसूरी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध बदमाश को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मसूरी क्षेत्र के नाहल चौकी में अभी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, इसमें स्कूटी सवार 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से 1 अपराधी के पैर में गोली लगी है। जो अभी तक की जानकारी सामने आई है, इनमें से 1 अपराधी वसीम है, दूसरा वाहिद है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे में जिंदा कारतूस और खाली खोखे और 1 बिना नंबर प्लेट की स्कूटी ये बरामद हुई है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसमें ये बात सामने आई है कि ये लोग नोएडा गाजियाबाद में मोबाइल चोरी करते थे और इन मोबाइलों को जब भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाते थे तो अपने अन्य साथियों के माध्यम से दूसरे राज्यों में बिकवा देते थे ताकि पुलिस इन तक पहुंच ना पाए। इनके बाकी गैंग के बारे में इनसे पूछताछ करके जानकारी की जाएगी और उनके खिलाफ भी। खबर बुलंदशहर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर बुलंदशहर के तहसील डिबाई क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार द्वारा अपनी राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ कई गांवों में बुलडोजर और ट्रैक्टर चलवाया है और ग्राम समाज की दर्जनों हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया, ग्राम पंचायत को सौंपी है। बता दें कि भूमाफियाओं ने काफी लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिसके चलते सरकार के सख्त निर्देश के बाद उन्हें कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि दोबारा इन जमीनों पर कब्जा किया गया तो एफआईआर कर जेल भेज दिया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार राजस्व टीम के साथ ग्राम प्रधान और बाकी लोग भी उपस्थित रहे।
खबर देवरिया जनपद से है, जहां के बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल बदहाली का आलम रोता नजर आ रहा है और दवा वितरण केंद्र पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तीमारदार दो दो घंटे धूप में खड़े रहे और आलम यह है कि दवा केंद्र के बाहर पंखा ना होने के कारण मरीज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार जिला प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंखा या नहीं है, गर्मी लग रही है, गर्मी है। हमको तो आधा घंटा हो गया सर खड़ा हुए, अब देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो पंखा तो बहुत जरूरी है सर। दो घंटा अब तो हो गया? नहीं, आधा घंटा हो गया। यहाँ पंखा लगाना जरूरी हो गया है, अब दूर दूर से आ रहे हैं हम लोग, यहाँ कितना गर्मी हो रही है, लाइन में लग रहे हैं, एक घंटे दो दो घंटे तक लाइन लग रहा है और इसमें पंखे जरूरी है। खबर गाजीपुर से है, जहां भारत सरकार की योजना किसान सम्मान निधि के अपात्रों से रिकवरी जारी है। अभी तक जिले में 5,200 किसान अपात्र मिल चुके हैं, जिन्होंने किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है, लेकिन ये किसान आयकरदाता है। ऐसे में इन किसानों से रिकवरी की जा रही है। बता दें कि जिले में कुछ मृतक किसानों के भी खाते में भी सम्मान निधि का पैसा गया है। वहीं अभी तक 5,200 अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि की 19.52 लाख रुपए की रकम की रिकवरी कराई गई है। जो पात्र किसान हैं, वो जो भी रुकी किस्त रहती है, जब उनकी किस्त आती है, उसी के साथ सारी रुकी किस्त आ जाती है एक ही साथ में। अभी सरकार ने क्या किया है कि हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है कि इसका सोशल ऑडिट नाम दिया है। मई और जून, ये 30 जून तक का हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लेखपाल रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे और हमारे प्रावधिक सहायक ADAG सब लोग मिलकर वहाँ गांव में खुली चौपाल लगाएंगे। वहाँ पर गांव पर हम जो हमारे लाभार्थी हैं, जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सूची लगा देंगे। वो गांव वाइज सूची निकाल ली गई है, निकाल कर। खबर औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अवैध शराब पर रोलर चलाकर नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय के आदेश पर अवैध शराब की बोतलों को जमीन पर बिछाकर रोलर चलाया ताकि इसका कोई उपयोग ना कर सके, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 40,000 लीटर शराब नष्ट की गई है, जिसकी कीमत 1,27,00,000 रुपए बताई गई। के अनुरूप जनपद औरैया के समस्त थानों में जितने भी लावारिस वाहन थे जिनकी नीलामी हो सकती थी, उन सबका चिन्हांकन करके नियमानुसार सबकी नीलामी कराई गई। अभी तक 6 थानों की नीलामी हो चुकी है वाहनों की, 175 वाहन नीलाम हो चुके हैं, जिनसे 10,770,000 रुपये का राजस्व जो है अभी तक प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से जो थानों में बहुत सारी पुराने मुकदमों की शराब जो है वो पकड़ी हुई रखी हुई थी उनके। खबर अलीगढ़ से है, जहां के बारादरी में लंबे समय से एक युवक एक युवती को मानसिक प्रताड़ित कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था और जब जब ये युवक युवती से मिलने आया था और युवती को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था कि अचानक युवती ने शोर मचा दिया। वहीं युवती का शोर सुनकर बाजार के लोग इकट्ठा हो गए और ब्लैकमेल करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना पर पहुंचे पूर्व महापौर और युवती के परिजन उक्त युवक को थाने ले गए, जहां परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना देलीगेट में एक सूचना अभी आई है कि एक लड़की के साथ जो है एक लड़के द्वारा 2 महीने से शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा था, तो उसमें लड़का पकड़ के भी आ गया है थाने में, गिरफ्तारी हो गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज मामला ये हुआ था कि ये लड़की और लड़की की माँ मेरे पास आकर के रोए कि हमारी बिटिया के साथ लगातार ये लड़का ब्लैकमेलिंग कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरी बिटिया की ज़िंदगी बचाओ और इस तरीके से बात है। आज 1 बजे का वायदा किया है कि मैं तुझे लेकर के जाऊँगा 1 बजे और जहाँ मेरा मन आएगा वहाँ लेकर के जाऊँगा। और ये लेकर के मैंने अपना वहाँ पर देखा कि मैं इनकी वास्तव में ये लड़की को लेने आ रहा है, मैं एक साइड में हो गई थी
और जब ये बैठी, लड़की को बिठाया तो लड़की चीखी चिल्लाई, पब्लिक ने इसको पकड़ा और पब्लिक ने पकड़ के खबर अलीगढ़ से है, जहां के भरतपुर बझेड़ा के पास नोएडा अलीगढ़ में रोडवेज बस में हथियारों के बल पर व्यापारी से 1,00,000 रुपए की लूट हुई। घटना के दौरान बदमाशों द्वारा हथियार निकाल लेने के बाद यात्री घबरा गए, जिसके चलते वो बस में शांत बैठने को मजबूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए और घायल व्यापारी को उपचार हेतु राघव अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। तीन व्यक्ति थे बस में, घटना हुई थोड़ी हुए मुझसे आटा पानी की इच्छा रखी थी। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं जटाई से बैठा था बस में। क्या काम करते हो आप? नमकीन की सप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये कौन सी जगह की घटना है? ये लगभग छोटी की बस में घटना है। क्या हुआ फिर? हम बदमाश थे, तीनों कमन से लगाए थे उससे। कानपुर में भीषण गर्मी की मार झेल रहे शहरवासियों पर अब पानी संकट के बादल गहराने लगे हैं। इसके चलते सपा नेताओं ने जल कल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर शहर में जल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि शहर में सप्लाई की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, टंकियों में भी पानी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है। पूरा शहर भीषण गर्मी में पानी को लेकर त्राहिमाम कर रहा है। लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, पानी की टंकियों में बेना झाबर से पानी नहीं जा रहा, बैराज अक्सर गाहे बगाहे बंद हो जाता है, जगह जगह मेन लाइन में लीकेज है, सारे हैंडपम्प बंद पड़े हैं, समर्सबिल खराब पड़े हैं, किसको बिजली सप्लाई के टाइम पे काट देता है। पूरे शहर में त्राहिमाम है। हमें उम्मीद है कि आपके घर में भी पानी की समस्या होगी। घर जाके आप पूछेंगे तो घर वाले बताएंगे कि आप क्या पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पर धरना दिया है अधिकारियों की नींद खोलने के लिए। अगर अधिकारी अभी भी नहीं चेते तो हम लोग आगे चल के और बड़े आयोजन करके अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। जबकि ये मई जून का महीना हर साल आता है, अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं, उन्होंने इस मौसम के लिए तैयारी नहीं करी थी। कहते हैं बेरगाम अधिकारी हैं, मई जून में गर्मी पड़ेगी हर आदमी को मालूम है, पानी की व्यवस्था नहीं करी है। अंधे नगरी चौपत राजा वाली वो कहानी है, खुद नहीं मालूम है कि कानपुर में कितने लीटर पानी चाहिए और कितनी आबादी वाला ये शहर है। कानपुर के लोगों को कितने लीटर पानी चाहिए? आज हमारे साथी विधायक रूमी भाई हों चाहे अमिताभ भाई हों, हमने धरना इसीलिए दिया है कि हम उनको बता सकें कि कानपुर में जितने अधिकारी हैं वो बेलगाम है। स्मार्ट सिटी कही जाने वाली कानपुर नगर निगम के अधीन जल निगम जल कल के कानपुर के जल पिलाने वाले प्रबंधन को पूरी तरीके से शून्य पर आ गया है। और अगर कानपुर के अंदर जलापूर्ति सुचारू रूप से 15 दिन के अंदर सही नहीं हुई तो हम लोग सदन की कार्रवाई के बाद सड़क से सदन तक तो जाने का संकल्प लेके यहाँ से जा ही रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कानपुर को सुचारू रूप से जलापूर्ति नहीं दी गई तो ये जान ले ना हम चैन से बैठेंगे और ना चैन से बैठने। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला कारागार में जेल में निरुद्ध बंदियों के खुशहाल स्वास्थ्य और तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए जेल में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला कारागार में जेल प्रशासन द्वारा बंदियों हेतु प्रतिदिन योग और गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए जेलर ने बताया कि जेल डीजी जेल मंत्री के दिए गए निर्देशानुसार अलग अलग बैरकों से बंदियों को बुलवाकर उनसे योग कराते हैं, जिससे कि बंदियों का मन स्वास्थ्य पूर्ण रहे और साथ ही कारागार का संपूर्ण वातावरण सुहावना बना रहे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।